विधानसभा में गुरुवार को ध्यान आकर्षण के दौरान जबलपुर से बीजेपी विधायक अशोक रूहानी ने प्रधानमंत्री आवास की दूसरी किश्त की राशि न मिलने का मामला उठाया। इसके साथ ही विधायक संजय यादव ने जबलपुर और डिंडौरी के गंदे नाले का पानी नर्मदा में मिलने का मामला उठाया। इन मुद्दों पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। इन मामलों को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह से खास बातचीत की अनादि टीवी विशेष संवाददाता अंकुर अध्वर्यु ने। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज काफी सारे ध्यानाकर्षण लगे थे, भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद। सर, ध्यानाकर्षण लगे थे आपके विभाग से संबंधित? देखिए, ध्यानाकर्षण थे, एक प्रधानमंत्री आवास को लेकर था और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अगले सप्ताह 1600 करोड़ रुपए की राशि पूरे प्रदेश में जो हितग्राही हैं उनके खाते में डाल रहे हैं एक क्लिक से। और दूसरा जो है वो मानवदा में गंदगी को लेकर था, तो उसके बारे में भी हमने पूरी जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से गंभीर है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानवदा सेवा यात्रा की थी। इसमें प्रदेश में लगभग 19 जिलों में 45 जगह एसटीपी प्लांट बन रहे हैं 1200 करोड़ की लागत से, जिससे कि नर्मदा में गंदा पानी ना जाए। भारत ने आरोप लगाए? नहीं, कोई आरोप नहीं लगा, सुझाव थे उनके। बिल्कुल, ये थे भूपेंद्र सिंह जी, इनका यही कहना है कि निश्चित तौर पर ध्यानाकर्षण में जो सवाल लगाए गए थे उसका जवाब दे दिया गया है। प्रधानमंत्री 1600 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक से अब कुछ ही दिन में ट्रांसफर करेंगे। कैमरामैन इरफान के साथ भोपाल से अनादि टीवी के लिए अंकुर अध्वर्यु।